फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। आप सबको मेरे चैनल भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो चलिए, कल के वीडियोस के कमेंट्स लेके मैं हाजिर हूँ और आप सबको दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने मेरी बेटी ट्विंकल को हैप्पी बर्थडे विश किया, उसकी अच्छी चीज़ के लिए कामना किया आने वाले फ्यूचर के लिए। तो आप सभी को थैंक यू। सबसे पहले मैं अपने कल के घर के ब्लॉग का ही मैं कमेंट पढ़ने जा रही हूँ। तो सबसे पहले रीमा जी का कमेंट है, उन्होंने लिखा, हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू, अपने हाथ भी दिया। थैंक यू सो मच रीमा जी, बस आप बड़ों का आशीर्वाद मेरी बेटी के संग रहे, वो आगे अपने आप ही बढ़ती जाएगी और भगवान का साथ तो रहता ही है हम सभी के साथ। जोस्फिन जी ने लिखा, हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टडी वेल एंड ओबे योर एल्डर्स एंड रिस्पेक्ट देम, आपने हाथ दिया। थैंक यू सो मच जोस्फिन जी, इट्स मीन्स अ लॉट। कुसुम आंटी ने लिखा है, ट्विंकल विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, सदा सुखी रहो बेटा, आपके सर पर माता रानी आशीर्वाद बसाई रखे, बर्थडे का ढेर सारा शुभकामनाएं, केक काटने से नानी के लिए भेज देना, आपको प्यार भरा दिल दे रही हूँ, आपने हाथ दिया। थैंक यू सो मच। नानी का अता पता भी तो पता होना चाहिए कुसुम आंटी, नानी अपना एड्रेस देंगी तो नानी को ट्विंकल की तरफ से केक मिल जाएगा, और ट्विंकल केक नहीं काटती है, युवान ने काटा था केक, क्योंकि ट्विंकल जो फर्स्ट उसका बर्थडे था तो हमने बहुत अच्छे से मनाया था बड़ा करके, पर उसकी तबीयत केक काटने के बाद हमको भी नहीं पता था, केक काटी थी और उसके बाद ही आधे घंटे बाद ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और फिर उससे मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था, इसलिए बहुत मुश्किल से मैं बेटी को वापस पाई हूँ, इसलिए हम लोग नहीं करवाते। उसके पापा के संग भी सेम चीज़ है, तो इसलिए ट्विंकल के पापा भी नहीं केक काटते, कभी भी अपना बर्थडे नहीं मनाते हैं, केक आता भी है तो हम काट के हम ही खाते हैं, वो नहीं काटते, और वैसे ही बेटी के साथ भी वैसे ही अपने पापा की तरह पूरी है, तो इसलिए युवान को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, युवान बिल्कुल मेरी तरह है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जब बिंदास केक काट सकता है। थैंक यू सो मच कुसुम आंटी। रेनू जी ने लिखा है, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू, अपने हार्ट भी दिया। थैंक यू सो मच रेनू जी। उसके बाद अविनाश जी ने लिखा, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू सो मच अविनाश जी। उसके बाद आपने लिखा, प्लीज़ कमेंट का वीडियो बनाए। हाँ, कल तो कमेंट का वीडियो मैं लाई थी, दो दिन नहीं मिला मुझे समय, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ अब सभी से, क्योंकि पहले दिन तो मेरी बेटी का बर्थडे के लिए मैं सुबह से उसी में पड़ी हुई थी, और दूसरे दिन मम्मी को लेके मैं गई थी ECG, एक्सरे, बहुत कुछ था, USG, उनको मतलब हर चीज़ का मतलब पूरा टोटली रूटीन चेकअप, पूरा टॉप टू बॉटम पूरा चेकअप करवाने के लिए लेके गई थी, तो मुझे अपने घर से काफ़ी दूर जाना पड़ा, क्योंकि उनको डॉक्टर जो लिख के दिया था वो एक दूसरे डायग्नोस्टिक सेंटर से बोला था करवाने के लिए, तो वहाँ से हम लोग पूरा किए थे, तो इसलिए उसमें आने जाने में इतना समय लग गया, और फिर घर आके एकदम मन नहीं किया कि मैं अपना कमेंट का वीडियो बना सकूँ, तो इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। तो अब तो वीडियो अब मेरा आता ही रहेगा, आई होप अब कोई एब्सेंट ना करूँ मैं। तो चलिए दूसरे वीडियो की ओर चलती हूँ मैं। दूसरा वीडियो था मेरा जिसमें समर हाथ जोड़ रहा राधिका की मम्मी के पास कि प्लीज़ मुझे राधिका दे दो, मुझे रहने दो, अरे इतना बड़ा षड्यंत्र वाला आदमी है ना, मैं कभी जीवन में नहीं देखी हूँ। सबसे पहले उसमें आदिल अंसारी जी का मैसेज, उन्होंने लिखा है, जी दीदी नमस्कार, दीदी बहुत बढ़िया, ठीक है, नहीं अगर समर ऐसा भी करे कि राधिका बोले कि समर जो घर है पहले मेरे नाम, उसके बाद जो है मैं तेरे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, अगर राधिका ऐसे बोली तो मैं समझ आएगा इन दोनों को, माँ बेटे को, ये अगर राधिका बोलती भी ना तो राधिका सबसे बड़ी लालची इंसान हो जाएगी दुनिया की, और राधिका की बात मानेगा नहीं, इसको चाहिए एक लेडीज़ जो इसके साथ रहे, इसको इसकी हर एक ज़रूरत को पूरी करे। गुनगुन नहीं है तो राधिका से, अभी अगर गुनगुन की याददाश्त ठीक हो जाएगी ना तो फिर राधिका को पूछेगा भी नहीं, राधिका जैसे पहले बात सुनाता था, जो खरी खोटी बोलता था, उसकी मम्मी को भी बोलता था लालची औरत हो, ये हो वो हो, मैं समझ गया मेरी मम्मी सही बोलती थी, फिर से वो सब डायलॉग सुनने को मिलेंगे, इसलिए ये इंसान के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच गीता जी ने हाथ दिया, थैंक यू सो मच। अविनाश जी ने लिखा है, जैसी माँ वैसा बेटा, बिल्कुल सही कहा अविनाश भाई आपने। जोस्फिन जी ने लिखा है, हिज मदर इज़ नॉट लेस, एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच आप सभी को। रेनू जी ने लिखा है, राइट, आपने हाथ भी दिया, थैंक यू सो मच। कंचन जी ने लिखा है, राइट, अब तो समर हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा है, इसको नहीं भेजना चाहिए राधिका को, इसको अब पता चलेगा जब कोई अपनी बेटी नहीं देगा, अब पंडित की बेटी से शादी कर ले, आई लव यू, थैंक यू सो मच, आपने हाथ भी दिया, थैंक यू सो मच कंचन जी। रीमा जी ने लिखा है, गुनगुन नहीं मिली तो राधिका याद आ गई, वही तो करता है ये समर, इसको उसके अलावा कुछ नहीं आता। अविनाश जी ने लिखा, बेशम समर से एक बार माफ़ किया जा सकता है, बार बार नहीं, ठीक ही कहा आपने। लॉरेंस जी की मम्मी ने लिखा है, समर की माँ के जैसे सबको माँ मिले, सबका गर्व झटका हो। थैंक यू सो मच। जोस्विन जी ने लिखा है,
द थिंग्स दैट समर हैज डन नो वन कैन ट्रस्ट हिम ही इज नंबर वन चीटर. एग्जैक्टली नंबर वन चीटर. लॉरेंस जी की मम्मी ने लिखा है दोनों जान के मान बेटे से शादी से ये राधिका को फंसाने का. राधिका कभी भी तू अपोजिट रिटर्न आने को कोशिश भी मत करना. ठीक कहा आपने, अब तो आने की कोशिश ही मत करना क्योंकि ये आदमी रहने लायक नहीं है. थैंक यू सो मच आप सभी को. सिमरन जी ने लिखा है बहन जी आपने सही कहा कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं रहती. समर पर कौन भरोसा करे. सब लोग देख चुके हैं समर इंसान नहीं हैवान है. कितना नीच कमीना है. दूसरे की पत्नी को घर में रखकर प्रेग्नेंट करा और लाश शर्म छोड़कर चिपके रहना. राधिका क्या कोई भी पत्नी ऐसा पति के साथ नहीं रहेगी. राधिका समर लागबार मनाने आए अभी भी नहीं जाना. कभी भी नहीं जाना नहीं रहना. बोल देना ये समय चल चुका है. राधिका आखिरी बार कह देना वापस कभी भी तेरे लाइफ में नहीं आना चाहती. एकदम बहुत अच्छा लिखा सिमरन जी. थैंक यू सो मच. आई होप आपका ये मैसेज समर पढ़े क्योंकि समर को जो एक गलत फहमी है ना कि लोग उससे चाहते हैं कि वो राधिका के साथ रहे. वो उससे कोई गलती नहीं की, उसकी मम्मी ने कोई गलती नहीं की. तो ये चीज़ उसको पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा गलत इंसान है. रीटा जी ने हाथ दिया है. थैंक यू सो मच. अब मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो तो जल्दी से पढ़ लूँ. लॉरेंस जी की मम्मी का मैसेज है. एकदम सही बोली दीदी. समर लालची से लालची है. समर समर की मम्मी दोनों लालची हैं. वह लोग को किसी के घर बसाना नहीं आता है. तोड़ने के लिए देखते हैं लालची कहीं का. दोनों जन्म के माँ बेटे को शादी. हाँ ये मैंने पढ़ा था. बेशरम समर शराब अक्कर बक्कर उसके ही नहीं वापस आए हाथ जोड़ने में. राधिका के पास अभी उसके अकल ठिकाने पर आएगा. वापस बोलेगा गुनगुन गुनगुन उसके ऊपर भरोसा कभी मत करना. राधिका रिटर्न मत आना. तुम्हारे वापस वही हालत करेगा. वो एकदम वही हालत करेगा. ये कुछ अलग नहीं करने वाला. थैंक यू सो मच. अब मैं अपनी दूसरी वीडियो की ओर जा रही हूँ जिसमें आ गए हैं गुनगुन के पापा. जब समर की कहीं दाल नहीं गली तो गुनगुन के पापा को याद किया गया. रीमा जी ने लिखा है सही बात है. अपने हाथ भी दिया है. रेणु जी ने भी हाथ दिया है. थैंक यू सो मच आप दोनों को. अविनाश जी ने लिखा है बेशरम समर नीच आदमी है. एकदम ठीक ही कहा आपने. फिर अविनाश जी ने लिखा है गुनगुन के पापा सब ये बेशरम समर का चाल है. इसको जेल भेजो. गुनगुन के पापा आपको कुछ पता नहीं बेशरम समर के बारे में. कुछ पता नहीं है. अब पता होगा भी कि नहीं कि गॉड नोस. अब मैं देख लेती हूँ कमेंट के वीडियो में कल कोई कमेंट अगर मिला हो तो मैं जल्दी से पढ़ लूँ. कमेंट के वीडियो में दो कमेंट्स हैं मेरे पास. एक है अविनाश जी का, एक है रीमा जी का. उन्होंने लाइक और हार्ट दिया. थैंक यू सो मच आप दोनों को. बस मेरे पास और कमेंट्स नहीं हैं. इतने ही कमेंट्स थे. उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने कमेंट के वीडियो को ज़रूर सुनोगे और मेरे शॉर्ट वीडियोस को देखने के लिए जो जो देखता है. अविनाश भाई, नमन भाई, थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे कमेंट्स के मेरे शॉर्ट वीडियो को देखने के लिए. घर के ब्लॉग को जो जो आप लोग देखते हो थैंक यू सो मच. उम्मीद करूँगी और भी आगे अपने ब्लॉग्स बनाती जाऊँ, धीरे धीरे करती जाऊँ. ब्लॉग्स बनाना ठीक से आता भी नहीं है, एकदम खाली दिमाग. तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय. जय हिंद, वंदे मातरम. स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए. बाय बाय.